प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जहां इसी के अंतर्गत सेवा सुरभि की ओर से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में 7 जुलाई से शुरू हुआ अभियान 14 जुलाई तक चलेगा, जहां इस अभियान के अंतर्गत 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सेवा सुरभि की ओर से पौधारोपण किया गया, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव, गोपी कृष्ण नेमा, पद्मश्री जनक पलटा, कुलपति डॉक्टर रेणु जैन, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने पौधारोपण किया। सेवा सुरभि विगत 22 वर्षों से प्लांटेशन का कार्यक्रम कर रही है। इस वर्ष 51 लाख पौधों का जो माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय एवं महापौर जी का संकल्प था, उसके तहत हम लोगों ने करीब करीब 150 से 200 पौधे इस एरिया में लगाए हैं। पौधे मोरसली और अर्जुन के लगाए गए हैं, ट्री गार्ड सहित लगाए गए। इसकी पूरी देखरेख सेवा सुरभि पूरी चिंता के साथ करेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभी शहरवासियों से पौधारोपण करने की अपील की है। मैं आज इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सेवा सुरभि ने हर साल 51 लाख पौधे लगाए, ये पहली बार नहीं है। उनके हर साल के 11,000 पौधे जो हैं वो इस शहर के लिए 51 लाख के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए पेड़ों का क्या महत्व है यहाँ उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस शहर में उसका ग्रीन कवरेज, उसका पर्यावरण, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसके एयर क्वालिटी इंडेक्स और उसकी तासीर बनी रहे, इसमें सेवा सुरभि का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है और लिखा जाएगा। लेकिन मैं इंदौर नगर निगम की तरफ से सेवा सुरभि की पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस बार के इस अभियान में हर दृष्टि से पेड़ का महत्व, पर्यावरणविद के रूप में हर हमारी बैठक में अपना सहयोग, और जहाँ जहाँ इंदौर शहर में, इंदौर के बाहर और विश्व रिकॉर्ड बनाने का जो ये प्रयास हमने किया है, उसमें सेवा सुरभि ने हर दृष्टि से मदद की और अभियान में आज अपनी आहुति भी 13 तारीख को यहाँ इस स्थान पर आहुत की है। मैं उन सबको, पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको कल रेवती रेंज पर आमंत्रित करता हूँ। मुझे लगता है कि देश का नहीं, दुनिया का जन भागीदारी से किया जाने वाला सबसे बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम कल इंदौर में होगा। करीब 90 से ज़्यादा समाजों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है, जो कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वहाँ पौधारोपण करेंगे। उस रेवती रंज का स्वरूप पूरा बदला हुआ है, तो आप सब भी उसके सहभागी और गवाह बनेंगे। इस शुभकामनाएं के साथ सेवा सुरभि का पुनः अभिनंदन। अभियान के तहत सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।